हेलो, हावड़ा फाफड़ा स्टोर। सबसे पहले तो आप आपकी दुकान का नाम हावड़ा फाफड़ा स्टोर से बदलकर कछुआ फाफड़ा स्टोर कर दो। दो घंटे हो गए ढोकला और जलेबी का ऑर्डर दिया था, अभी तक नहीं आया है। जल्दी भेजिए, मेरे घर पर मेहमान आ रहे हैं। हाँ मॉम, विशाल को ढोकले के साथ पुदीने की चटनी बहुत पसंद है। सोनिया, कनेरलाल को पुदीने की चटनी बनाने कह दो। ओके, मैं कह दूँ। अरे सासू माँ, आप दोनों तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे भगवान राम 14 साल का वनवास खत्म करके अयोध्या लौट रहे हो। मैं कुछ ऐसा ही समझ लो। वैसे तो विशाल मेरे चाचा जी का बेटा है, लेकिन मेरे लिए मेरे सगे भाई समान। अच्छा, इसीलिए आप दोनों उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, है ना? नहीं, आज बेसब्री की वजह तो है शिखा। शिखा? कौन शिखा? अरे शिखा मतलब मेरी भाभी, विशाल की बीवी। अभी 4 महीने पहले उनकी शादी हुई है। और पता है, आज पहली बार हम सब शिखा भाभी से मिलने वाले। मही, एक बात कह देती हूँ, शिखा बहुत ही समझदार और पढ़ी लिखी लड़की है। उसके सामने बिना सोचे समझे चपड़ चपड़ प्लीज मत करो। लो बोलो। एक मिनट सासुमा, मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। मैं हमेशा सोच समझ कर ही बोलती हूँ, नहीं? हाँ, वो तो मैं जानती हूँ। अच्छा, जानती हो तो फिर बोला क्यों? जानती हूँ, इसीलिए कह। ओहो, आप दोनों फिर शुरू हो गए। हाँ? आप दोनों ने, सागर जी, आपकी मॉम, उन्होंने मुझे कहा कि उनकी लाडली शिखा के सामने मैं चपड़ चपड़ ना करूँ। हाँ, मैंने कहा था। ओहो, लगता है विशाल और शिखा आ गए। सोनिया, दरवाजा खोल। हाँ। आइए आइए, आपका ही इंतजार था। सॉरी, वो आने में थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, शिखा भाभी कहाँ है? कौन शिखा भाभी? आप अपनी बीवी को भाभी बोलते हैं? मेरी बीवी? जी, अब तक मेरी तो शादी ही नहीं हुई है। अच्छा, सोनिया किससे बात कर रही हो तुम? हाँ, विशाल भैया तो आए हैं, मगर भाभी नहीं आई। सोनिया, ये विशाल नहीं है। हावड़ा फाफड़ा स्टोर से आए हो ना? ये ढोकला की डिलीवरी देने आए हो। अरे लाओ लाओ भाई लाओ। और ये लीजिए आपके पैसे। अच्छा मॉम, पुरोहित जी का फोन आया था। वो कह रहे थे एम्प्लॉइज के सारे चेक्स आ गए हैं। वेरी गुड, उन्हें कह दो कि ट्यूसडे तक दे दे। ओके मॉम, आई विल टेल हिम। आ गए। बोलो आ गए। खोल खोल खोल, दरवाजा खोल जल्दी। भाभी जी आइए, हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। कैसे हो आंटी जी? वाह, जीती रहो जीती रहो। कैसे हो सागर भैया? मैं तो अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। नमस्ते भाभी। भाभी जी, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। अरे सागर बाबू, सिर्फ भाभी को वेलकम करोगे या मुझे भी वेलकम करोगे? अरे भाई, बॉस को वेलकम कर दिया ना, अब क्या पियोन को ही वेलकम करना पड़ेगा? अरे पियोन साहब, अपनी बॉस से तो मिलवाओ। हाँ भाई, अरे मुझसे तो मिलने आ, गले लग। आजा आजा आजा। हाँ तो विशाल और भाभी जी, ये है मेरी बॉस मतलब मेरी वाइफ मही। नमस्ते भाभी। जय अंबे। कितनी खूबसूरत है शिखा, है ना? सीरियसली मॉम? अरे नहीं नहीं आंटी, खूबसूरती तो देखने वालों की नजरों में होती है। सागर भैया, ये आपके लिए। अरे अरे भाभी, इसकी क्या जरूरत थी? एनीवेज थैंक्स। मही भाभी, ये आपके लिए। थैंक्स। और बॉलीवुड की लेटेस्ट स्टार सोनिया भाभी के लिए ये लेटेस्ट मेकअप किट। थैंक यू सो मच शिखा। यू आर वेलकम भाभी। और आंटी जी, ये आपकी। अरे बेटा, बहू से गिफ्ट लेते नहीं है, बहू को तो गिफ्ट दिया जाता है। जी आंटी जी, पर आपने बहू बोलने से पहले मुझे बेटी कहा है, राइट? तो बहू से ना सही, बेटी से तो ले सकती है। और बेटी को पूरा हक बनता है कि वो अपनी माँ के लिए प्यार से कुछ दे। कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी। हर बहू को तुमसे कुछ सीखना चाहिए। थैंक यू थैंक यू। बैठ। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो प्यार से गिफ्ट दे वो प्यार भी करते हो। वैसे आंटी जी, लास्ट मंथ ही मैं एक मैगजीन पढ़ रही थी, उसमें मैंने आपके ऊपर एक आर्टिकल पढ़ा। Politician who made a difference. हाँ। I mean, I was so impressed and at the same time I was surprised. भाई राम, ये तो इंग्लिश में फर्राटे से बोलती है। I mean, इतनी सारी मल्टीटास्किंग एक्टिविटीज आप कैसे कर
चाहिए। घर को संभालना, पॉलिटिकल पार्टी को संभालना, आर यू मैजिशियन और व्हाट? अरे नहीं नहीं शिखा, मैं कोई मैजिशियन नहीं हूँ, पर तुम्हारी बातों में मैजिक जरूर है। कम ऑन आंटी जी, मैं तो आपके सामने वो क्या कहते हैं, ऊंट के मुंह में समथिंग समथिंग, ऊंट के मुंह में जीरा, दैट्स राइट, मैं तो आपके सामने ऊंट के मुंह में जीरा हूँ आंटी जी। नहीं नहीं शिखा, इनफैक्ट तुम्हारे सामने कई लोग ऊंट के मुंह में जीरा हैं। नहीं नहीं आंटी जी, हर बाय द वे सागर भैया, विशाल ने मुझे आप सबके बारे में इतना कुछ डिटेल में बताया है कि मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ। I mean, I know you all so well. And हाँ, सोनिया भाभी, बॉलीवुड को आपका और कितना इंतजार करना पड़ेगा? No, seriously, आप इतनी खूबसूरत है, टैलेंटेड है, I'm damn sure कि बॉलीवुड में इनकी एंट्री होगी ना तो बॉलीवुड की किस्मत ही खुल जाएगी। Thank you so much, शिखा, for your support. Anytime. देखा सोनिया? हाँ. शिखा कितनी सपोर्टिव है। अरे मैं तो कहती हूँ कि हर जेठानी को अपनी देवरानी से ऐसा ही सपोर्ट मिलना चाहिए, है ना? ये शिखा उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं दे रही है जितना सपोर्ट आप उसे कर रही है सासुमा। मुझे ताना मारने का एक मौका भी मिस नहीं करती आप। बताए ना दलित अम्मा, चलो कहाँ चलो? अरे इनका फैमिली तो गोकला और पत्नी ले दिया तो थालो। हाँ। पत्नी? विशाल, इनका मतलब है ढोकला और तेरी फेवरेट पुदीने की चटनी। हाँ। ये कन्हैया लाल जी हैं, हमारे घर के बावर्ची। नमस्ते। नमस्ते अबाल। अरे वाह कन्हैया लाल जी, आप सबके लिए रोज चाय नाश्ता खाना बनाते हैं, आज मैं सबके लिए कुछ बनाना चाहती हूँ, और आपके लिए भी मेरी स्पेशल कॉफी। नहीं नहीं तीता भाभी, तीता शिखा को तीता, ये अच्छा नाम दिया आपने कन्हैया लाल जी। अरे कोई बात नहीं कन्हैया लाल जी, आप मुझे तीखा भाभी बुला सकते हैं। सुनकर ही हंसी आ जाती है। चलिए आप मुझे अपना किचन दिखाइए। जाओ जाओ सोनिया, इसके साथ जाओ। वाह, घर के बावर्ची से भी कितनी तमीज से बात करती है ना शिखा। जब कन्हैया लाल ने उसे तीखा भाभी कह दिया तो भी उसने बुरा नहीं माना और हंसी में बात टाल दी। ऐसी समझदार बहू तो सबको मिलनी चाहिए, एकदम परफेक्ट बहू है। हाँ हाँ सासुमा, सब देख रही हूँ। मॉम, आपने मुझे बुलाया? हाँ सागर, ये देख, ये कैसा है? वाओ, बहुत अच्छा है। ये है ना, मैं शिखा को मुंह दिखाई के तौर पर देना चाहती हूँ। वाओ, वेरी नाइस। मुझे मुंह दिखाई पर सासू माँ ने सिर्फ अंगूठी दी थी और शिखा भाभी को पूरा नेकलेस दे रही है। सागर, तुम इसे जरा गिफ्ट पैक करवा लो ना। ओके मॉम, अभी करवा लो। क्या हुआ, तुम खुश नहीं लग रही? नहीं नहीं सासुमा, मैं भला क्यों दुखी होने लगी? मैं शिखा को ये नेकलेस दे रही हूँ, कहीं इस वजह से तो तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है? मुझे हाँ, मुझे क्यों बुरा लगेगा सासुमा? नेकलेस आपका है, मर्जी भी आपकी है, मुझे नहीं। तुम्हारे चेहरे पे से तो साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगा। सासुमा, नेकलेस की लालच नहीं है मुझे। हाँ, एक बात आई थी मेरे मन में, अपने सगी बहू को अपने मुंह दिखाई पर एक छोटी सी अंगूठी दी और चचेरी बहू को नेकलेस। क्योंकि शिखा एक परफेक्ट बहू है, इसलिए गिफ्ट भी तो उसके लिए परफेक्ट ही होनी चाहिए ना। मैं तुम्हारे लिए भी ऐसा नेकलेस बनवा दूंगी, लेकिन दूंगी तब ही जब तुम परफेक्ट बन जाओ। आंटी जी, ये लीजिए आपके लिए मेरी बनाई हुई स्पेशल कॉफी। थैंक यू सो मच शिखा। अरे वाह, तुमने कॉफी तो एकदम परफेक्ट बनाई है। थैंक यू। क्यों ना तुम मेरी बहुओं को भी कॉफी पिलाओ ताकि उन्हें भी पता चले कि परफेक्ट कॉफी कैसे बनाते। अरे नहीं नहीं आंटी जी, ऐसी बात नहीं,
वैसे मही भाभी मैंने आपकी कॉफी हॉल में रखवा दी। थैंक्स। आइए। आती हूँ। पियो। शिखा भाभी आपकी और विशाल भैया की तो लव मैरिज हुई थी ना, तो फिर आप दोनों मिले कैसे? ट्रेन में। ट्रेन में? ट्रेन में? हाँ, एक्चुअली मुंबई की एक मिडिल क्लास फैमिली की मैं लड़की हूँ। अपनी फ्रेंड की शादी के लिए मैं आउट स्टेशन जा रही थी। मेरी टिकट तो स्लीपर कोच की थी, पर ट्रेन छूट ना जाए इस डर से मैं एसी डिब्बे में चढ़ गई। That means विशाल भैया भी उसी में होंगे, है ना? हाँ, जब टीटी आया तो मैंने उसे समझाया कि जल्दबाजी में मैं इस बोगी में चढ़ गई। बस फिर क्या था, डिसाइड हुआ कि अगले स्टेशन पर उतरकर मैं अपना कोच बदल लूंगी। और ये सब जो हो रहा था ना, वो सामने वाली सीट पर बैठे विशाल सुन रहे थे। फिर क्या था, जेंटलमैन की तरह उन्होंने अपनी सीट मुझे ऑफर की और वही हमारी पहली मुलाकात। वाओ, व्हाट अ स्टोरी, माय गॉड। हीरो हीरोइन ट्रेन में मिले, लाइक जब विशाल एंड शिखा मेट। और फिर आप दोनों ने गाड़ी पकड़ ली, शादी की गाड़ी। क्या बात है शिखा, अब तक मुझे ऐसा ही लगता था कि अगर बेटा लव मैरिज कर ले तो सास को कभी अच्छी बहू मिल ही नहीं सकती। लेकिन तुम्हें देखने के बाद मुझे पता चला कि ऐसी बात नहीं है। अच्छा माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि आज ना आप सबके लिए लंच मैं बनाऊ, अपनी स्पेशल कड़ी बुलाओ। नहीं नहीं, रहने दीजिए ना। अरे नहीं नहीं शिखा, तुम क्यों परेशान हो रही हो, कन्हैया लाल है ना? हाँ हाँ, रहन दो, प्लीज आंटी जी करने दीजिए ना। अब मुंबई में तो मैं और विशाल अकेले रहते हैं, अब मेरे सास ससुर यहाँ अहमदाबाद में रहते हैं, इसीलिए परिवार के लिए लंच बनाने का सुख तो मुझे कभी मिला ही नहीं। अब आज ये मौका मिला है तो प्लीज बनाने दीजिए ना। वाह शिखा, तुम्हारी सोच तो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत है। सासुमा, जानती हूँ मैं कि आप क्या कहने वाली है, यही ना कि परफेक्ट बहू ऐसी होती है। हाँ हाँ, जानती हो तो इससे कुछ सीख भी लो। शिखा, तुम तो कुकिंग भी कितना अच्छा करती हो, और कड़ी पुलाव तो कितना कमाल का बनाया था तुमने। वरना आजकल की बहुओं को तो नूडल्स और चाय के अलावा बनाना कुछ आता ही कहाँ है। रियली शिखा भाभी, आपका कढ़ी पुलाव बहुत टेस्टी था, मजा आ गया। वैसे विशाल, तुझे शिखा भाभी मिल गई उसपे मुझे एक कहावत याद आ गई। कौन सी? कि लंगूर की किस्मत में अंगूर। ये लो बेटा, ये तुम्हारी मुंह दिखाई। ये क्या है आंटी? अरे कुछ खोल कर ही देख लो। अब अरे आंटी, इतना महंगा गिफ्ट मैं नहीं ले सकती। प्लीज आप। क्यों नहीं ले सकती? जब माँ अपनी बेटी को कुछ दे तब बेटी को सस्ता या महंगा नहीं सोचना चाहिए। तुम ही कह रही थी ना कि बेटी तो अपनी माँ को प्यार से कुछ भी दे सकती है, तो अब मैं पूछती हूँ कि एक माँ अपनी बेटी को प्यार से कुछ क्यों नहीं दे सकती? ये लो। जरूर दे सकती आंटी, थैंक यू सो मच। योर वेलकम। हाँ, हे जीती रहो, जीती रहो। क्या बात है शिखा, मान गया तुझे। अरे अंशु या आंटी को तो तूने अपना दीवाना बना दिया। अरे जानू, ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं क्या करती हूँ। और वैसे भी शिखा जब अपना जाल बिछाती है ना, तो बड़ी से बड़ी मछली उसमें फंसी जाती है। और वैसे भी तुम्हारे खानदान में सिर्फ अंशु या चाची का चलता है, अब वो मुझसे इम्प्रेस तो हो ही गई है, बस एक बार तुम्हारी मॉम के सामने वो मेरी तारीफ कर देना, फिर तो मुंबई के घर के लिए पैसे भी दे ही देंगी वो, है ना? अन गया तुम्हें शिखा। Yes. चलो।
तो ये बात है, ये मैडम तो कदी पुलाव खिलाकर कुछ हॉली पुलाव पकड़ ली है। दलील थम्मा व्हाट नॉनसेंस, मैं नहीं मानती इस बात को। आप मानो या ना मानो सासुमा, लेकिन यही सच है। कन्हैया लाल ने खुद अपनी आंखों से देखा और सुना भी, नहीं कन्हैया लाल? शिखा ऐसा क्यों करेगी? तुम ये कहना चाहती हो कि शिखा मुझे इसलिए खुश करे क्योंकि उन लोग को मुंबई में फ्लैट लेना है और मैं कावेरी से? नहीं, मुझे अभी भी इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, तो मैं आपको यकीन दिलाऊंगी। आपकी नजरों में जो परफेक्ट बहू है ना, उसकी परफेक्ट प्लानिंग का पर्दाफाश मैं करूंगी। लेकिन उसके लिए आप सबको मेरा साथ देना होगा। सासुमा, आपको भी। ठीक है, मैं तैयार हूं, बोलो क्या करें। आपको मेरी चॉइस शिखा कैसी लगी? अरे बहुत अच्छे विशाल भैया, और सिर्फ शिखा भाभी मम्मी जी को ही नहीं, हम सबको बहुत अच्छी लगी। क्यों सासुमा? हाँ हाँ विशाल, शिखा बहुत अच्छी और बहुत ही स्वीट है, लेकिन ज्यादा स्वीटनेस से डायबिटीज का खतरा रहता है। हाँ, ज्यादा स्वीटनेस से लाइफ भी बोरिंग हो जाती है, इंसान को थोड़ा तो नमकीन रहना ही चाहिए। क्यों? अब हमारी मही को ही देख लो, पूरा दिन लड़ती रहती है पर मन भी तो लगा रहता है ना, उसकी नादानियों में, उसकी बेवकूफियों में। सासुमा, अब शिखा भाभी, सासुमा का ये मतलब है कि इंसान को इतना भी सीधा नहीं रहना चाहिए कि टेढ़ी दुनिया उसका फायदा उठा ले। अरे टेंशन मत लो मही, मैं जितनी सीधी दिखती हूँ ना, उतनी सीधी हूँ नहीं, टेढ़ी भी हूँ। और जब मैं टेढ़ी हो जाती ना, फिर तो मेरे सामने कोई टेढ़ा हो ही नहीं सकता। भाभी वो सब तो ठीक है, पर आप इतने समझदार हो, घर के कामों में एक्सपर्ट हो, कुकिंग में एक्सपर्ट हो, इनफैक्ट हर चीज में एक्सपर्ट हो, पर यू नो भाभी, लाइफ में ना थोड़ी बेवकूफियां भी होनी चाहिए तो मन लगा रहता है, यू नो, एंटरटेनमेंट होता है, क्यों मॉम? हाँ, जैसे हमारी सोनिया है, है ना? थैंक यू सो मच मॉम, आपने सोनिया की तारीफ की, सोनिया खुश हुई। ऐसे चंटी, शिखा भी किसी से कम नहीं है, वो भी आपको खुश कर सकती है। इतनी बेवकूफियां करती है ना, बोलो ना शिखा। हाँ हाँ बिल्कुल, अरे मैं तो बहुत बेवकूफियां करती हूँ। और ये खाना बनाना, घर के काम तो कभी कभी, वरना मैं तो किचन की तरफ देखती भी नहीं हूँ। कुछ भी कहो शिखा, लेकिन मुझे तुम्हारा भोलापन अच्छा लगा। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें ये कहना चाहूंगी कि तुम्हें सावधान तो रहना ही चाहिए, है ना? हाँ हाँ आंटी, शिखा इतनी भी भोली नहीं है, मतलब बाहर से भोली है लेकिन अंदर से बड़ी चालबाज है। मेरा मतलब सिर्फ बाहर से भोली लगती है, बाकी अंदर से सब चालबाजी समझती है। वो तो ठीक है विशाल भैया, लेकिन शिखा भाभी इतनी हसमुख और शांत स्वभाव की है कि कोई भी इसका गलत फायदा उठा सकता है। नहीं? अरे नहीं नहीं मई भाभी, मेरा जितना शांत स्वभाव है ना, उससे ज्यादा गुस्सैल स्वभाव है, और जब मुझे गुस्सा आ जाता है ना, तब तो मैं अच्छे अच्छों की बैंड बजा देती हूँ। ठीक है, ऐसी बात है तो मेरे एक सवाल का जवाब देंगे जी। अगर आप दोनों का एक ही बेटा हो और आप इसकी शादी धूमधाम से करो, और शादी के बाद बेटा और बहू आपसे ज्यादा आपके पैसे को चाहते हो, तो आपको गुस्सा आएगा ना?
हाँ हाँ आंटी जी बिल्कुल। विशाल, शिखा, मुंबई में फ्लैट लेने के लिए अच्छे बनने का नाटक? ये तो अच्छा हुआ कि कन्हैया लाल ने तुम दोनों की बातें सुन ली, इसलिए हकीकत हमारे सामने आई। माँ बाप के लिए उनकी दौलत उनकी अपनी संतान होती है, रुपए पैसे नहीं। माँ बाप को सच्चा प्यार दो तो उनका सब कुछ तुम्हारा ही है। हाँ शिखा भाभी, हम बहुएं यही चाहती हैं कि हमारी सासू माँ अपनी माँ जैसी हो, लेकिन उसके लिए भी हमें बहू से बेटी बनना बहुत जरूरी है। ठीक कह रही हो मई, अब से ना मैं अपनी सासू माँ की बहू नहीं बेटी बनकर रहूंगी। I'm really sorry आंटी जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। I promise you, आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर किया भी ना तो माँ के हाथों में पार होता है, माँ जिस तरह से देती है उसी तरह से वापस ले भी लेती। अंशुया आंटी, हम चलें? हाँ बेटा, संभल कर जाए। जी जी आंटी, खुश रहो। बाय विशाल भैया। बाय विशाल। बाय बाय। ठीक है भाभी। सासू माँ, अब बताइए परफेक्ट बहू कैसी होती है? होती तो शिखा जैसी है, अगर झूठी ना होते।